हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है डिज़ायर या लिबिडो इन मेन। कई बार मेरे पास पुरुष आते हैं जो बोलते हैं कि इरेक्शन तो होता है पर हमारी सेक्स की इच्छा नहीं होती है, या सेक्स की इच्छा कम है, या सेक्स करने की डिज़ायर नहीं है। तो सबसे पहले समझे कि जो डिज़ायर या लिबिडो है वो सेक्सुअल फंक्शन का सबसे मेन कॉम्पोनेंट है। तो नॉर्मली जब पुरुषों में सेक्सुअल फंक्शन की बात करते हैं तो तीन कॉम्पोनेंट आते हैं, चार एक्चुअली। पहला कॉम्पोनेंट होता है डिज़ायर, डिज़ायर मतलब कि सेक्स करने की अंदर से आने वाली इच्छा। दूसरा कॉम्पोनेंट होता है इरेक्शन, मतलब जब सेक्स करने की इच्छा होती है या मानसिक मन करता है तो क्या शरीर साथ देता है, क्या इरेक्शन पूरा आता है। और तीसरा होता है ऑर्गेज्म, ऑर्गेज्म में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एंजॉयमेंट जो हम सेक्स में करते हैं, दूसरा पार्ट होता है इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब डिस्चार्ज, जिसके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक कॉम्पोनेंट है। और फिफ्थ या फोर्थ या फाइनल जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है इमोशनल एक्सपीरियंस, मतलब सेक्स करने के बाद ऑर्गेज्म आने के बाद जो एक संतुष्टि की फीलिंग आती है वो। अब इसके अलावा जो मतलब सेक्सोलॉजी में जो डिवाइड करते हैं उसमें फिर जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर फंक्शन भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर मोटे मोटे तौर पे मर्दों में इरेक्शन और जो सेक्स है उसमें चार कंपोनेंट होते हैं। पहला इच्छा शक्ति, करने की इच्छा या डिज़ायर, दूसरा इरेक्शन, तीसरा इजैकुलेशन ऑर्गेज्म, और फोर्थ इमोशनल एन्जॉयमेंट। अब अगर पेशेंट को डिज़ायर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि जो आगे आने वाले तीन कंपोनेंट, मतलब इरेक्शन में, इजैकुलेशन में या एंजॉयमेंट में फ़र्क हो, या इसके पीछे वाले तीन कंपोनेंट मतलब जेंडर आइडेंटिटी और ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम हो। समझेंगे कैसे। डिज़ायर कब आएगी? अगर आपको इरेक्शन अच्छा है तो आपको डिज़ायर भी रहेगी, अगर इरेक्शन कम है तो हो सकता है उससे डिज़ायर कम हो रही हो। तो कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट नोटिस करते हैं कि शुरुआत में डिज़ायर भी अच्छी थी क्योंकि इरेक्शन अच्छा आता था, पर क्योंकि अभी इरेक्शन अच्छा नहीं आ रहा है इस कारण से धीरे धीरे डिज़ायर भी खत्म होती जा रही है। दूसरा हो सकता है कि इरेक्शन तो अच्छा आ रहा है पर डिस्चार्ज टाइम इतना कम हो गया है कि इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है, इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता तो इस कारण से सेक्स करने का मन ही नहीं करता कि सेक्स करने जाओगे भी तो क्या होगा, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि आपने दोनों हुआ, इरेक्शन भी हुआ, एन्जॉयमेंट भी हुआ, पर आपको जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, आपकी वाइफ खुश नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड खुश नहीं है, तो उस कारण से जो सेक्स करने के बाद जो एंड में जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो डेवलप नहीं हो रहा, आपकी वाइफ से लड़ाई हो जाती है सेक्स करने के बाद, तो धीरे धीरे आप लोगों के बीच में सेक्स होना कम हो जाता है और धीरे धीरे आपकी डिज़ायर डाउन हो जाती है। तो अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को ट्रीट किया जाए, इरेक्शन बढ़ा दिया जाए, टाइमिंग बढ़ा दिया जाए और आपके पार्टनर खुश रहे तो हो सकता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर सेक्स करने का मन भी करे। दूसरी तरफ हो सकता है कि जेंडर आइडेंटिटी डिस्टर्ब्ड है। कई बार मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, बहुत पेशेंट्स आते हैं, कई बार मरीज को अपना पार्टनर पसंद नहीं है या अपने पार्टनर का सेक्स पसंद नहीं है। कई बार होते हैं मर्द जिनको मर्दों में इंटरेस्ट है, कई बार होते हैं मर्द जिनको किसी पर्टिकुलर फीमेल में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि उनका जो सेक्स करने का मन है वो किसी पर्टिकुलर फीमेल से, पर्टिकुलर एक्ट्रेस से, पर्टिकुलर फैंटेसी से हो, अपनी रियल टाइम पार्टनर से ना हो। तो वो मरीज बताएंगे कि नहीं, मास्टरबेशन तो मैं दिन में दो बार करता हूँ पर बिस्तर में जाके अपनी वाइफ से सेक्स करने का मन नहीं करता। कई बार शादी को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाते हैं तो उस कारण से मर्दों में अपनी वाइफ से सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, पर उनसे पूछे अगर आप बाहर जाना चाहे, गर्लफ्रेंड से मिलना चाहे या पोर्न देखना चाहे तो उसमें उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो जेंडर ओरिएंटेशन, सेल्फ आइडेंटिटी और इंटरेस्ट इन योर पार्टनर भी हो सकता है कॉज आपके डिज़ायर या लिबिडो कम होने का। तो अगर इन सब पे वर्क करें तो भी डिज़ायर लिबिडो में काफ़ी इन्हांसमेंट हो सकता है। इसको रूल आउट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है, कई बार होता है पार्टनर मिसमैच। हो सकता है कि आप रोज़ दिन में एक बार सेक्स करते हो और वो आपके लिए नॉर्मल हो, पर आपकी वाइफ या पार्टनर चाहती है कि आप दिन में या रात में दो या तीन बार सेक्स कीजिए, जो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। तो कई बार पार्टनर और हस्बैंड के बीच में मिसकैलकुलेशन होने से भी डिज़ायर या लिबिडो की प्रॉब्लम आती है, तो इसको भी अगर कपल काउंसलिंग की जाए तो सोल्यूशन मिलता है। तीसरा, अगर सपोज इनको रूल आउट करने के बाद तीसरा हो सकता है कि आप कोई दवाई ले रहे हो या आप कोई स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट में हो। अगर आप रात ड्यूटी कर रहे हो, डे ड्यूटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, दिन में बहुत स्ट्रेस है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रही है, दिमाग पर टेंशन है बच्चों की, स्कूल की, काम की, तो भी हो सकता है डिज़ायर लिबिडो कम हो। अगर आप कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है और बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी हो सकता है। अगर आप स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, साइकेट्रिक ड्रग्स ले रहे हैं तो भी हो सकता है। तो इनको भी रूल आउट करना पड़ता है डिज़ायर लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए।
अगर ये सब कुछ रूल आउट हो गया है, सारी चीज़ रूल आउट हो गई है और उसके बाद भी मरीज में डिज़ायर लिबिडो की कमी है, तो उसको बोलते हैं हाइपो एक्टिव सेक्शुअल ड्राइव या HSD। और हाइपो एक्टिव सेक्शुअल ड्राइव में फिर नेक्स्ट स्टेप है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट भी है, तो इसके ट्रीटमेंट में दो तरह से ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल मैनिपुलेशन से, आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल ठीक करने से भी सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिज़ायर को फिर से एनहांस किया जा सकता है। वो कैसे? या तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा के, या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के कई तरीके हैं, नॉट नेसेसरली कि हमें इंजेक्शन ही लगाना है। इंजेक्शन, एंड्रोजेल, आपके ईस्ट्रोडियल प्रिपरेशंस, आपके ये इनडायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन एनहांसर जैसे एरोमेटाजोल है, लेट्रोजोल है, या फिर जैसे बीटा HCG, तो इनके इस्तेमाल से भी ड्राइव या डिज़ायर को इंक्रीज किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को ट्रीटमेंट से भी डिज़ायर को इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके अलावा ईस्ट्रोडियोल अगर शरीर में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फैट या बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, तो उसके लेवल को कम करने से, एक्सरसाइज से, वेट गेन, वेट लॉस से भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जा सकता है। तो इन कारण से भी डिज़ायर को इम्प्रूवमेंट या लिबिडो को एनहांस किया जा सकता है। उसके अलावा एक्सरसाइज, बिहेवियरल थेरेपी, लॉस ऑफ वेट, गेन ऑफ मसल मास से भी डिज़ायर में और लिबिडो में इम्प्रूवमेंट आता है। और तीसरा कंपोनेंट है फिर मेडिकेशन। अगर शरीर में सेरोटोनिन या डोपामिन के लेवल्स को मैनिपुलेट किया जाए, जैसे विद द हेल्प ऑफ डेसिप्रामीन या विद द हेल्प ऑफ बुप्रोपियोन, तो इन ड्रग्स की हेल्प से भी सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो को बूस्ट किया जा सकता है। पर इन मेडिकेशंस का यूज़ हमेशा डॉक्टर की केयरफुल में करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी दवाई अगर ऊपर नीचे हुई तो बेनिफिट के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। तो अगर आपको डिज़ायर या लिबिडो में कमी लग रही है या कमी काफ़ी टाइम से आ गई है, तो इन सब पैरामीटर्स के बारे में सोचिए। हो सकता है इनमें से कोई पैरामीटर हो जो आपको परेशान कर रहा हो। अगर आप खुद नहीं पकड़ पा रहे अपनी जड़, तो आके डॉक्टर से मिलिए, दवाइयों से आपकी हेल्प की जा सकती है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में, ईमेल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।